नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप और कैसा बीता आपका आज का दिन? आज यानी कि 10 अप्रैल और लॉकडाउन का 17वां दिन। जी हाँ, 17 दिन हम कंप्लीट कर चुके हैं और साथ में डरावनी खबरें भी आ रही हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली में बहुत सारे इलाके सील हो रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे इलाके जो हैं उन्हें सील किया जा रहा है। परंतु कौन सा इलाका सील हो रहा है मैं उस पे नहीं जाऊंगी। आज बात करना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे अपना दिन बिता रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं इसके अब हमें लगता है आदी हो जाना चाहिए। और एक चीज की दिक्कत है और वो है कि जो लोग, जो गरीब लोग सड़कों पे हैं या जो नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोग नौकरियां खो भी रहे हैं और अब उनको उनको खाने पीने की दिक्कत आनी शुरू हो गई है। बहुत सारे लोगों को खाने पीने की दिक्कत आ भी रही है। आपको बता दूं कि हमारे उत्तराखंड में शायद हम किस्मत वाले हैं कि हमारे यहाँ अभी पहले स्टेज पर ही है हम, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और मैं ये भी उम्मीद कर रही हूँ कुछ हद तक इसका कम्युनलाइजेशन हर जगह पे हुआ है, परंतु उत्तराखंड में बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगी कि हुआ है, क्योंकि ये शहर बुद्धिजीवियों के शहर होने के नाते जाना भी जाता है और बहुत सारे लोग इस विषय में बोल भी रहे हैं। क्योंकि अब लोग मिल नहीं पाते इस समय, क्योंकि सब कोई अपने घरों पे है और शासन के जो आदेश है उनका अनुपालन कर रहे हैं, परंतु देहरादून एक ऐसा शहर है जहां पे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि खामखा का कोरोना को कम्युनलाइज कर देना ये सही नहीं है। और जो लोग ये कर रहे हैं हमारे शहर में, उनको हम ये बात कह भी देते हैं और निडर होके कह देते हैं, जबकि ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ भाजपा की सरकार है। क्योंकि जब मतभेद होते हैं तो मतभेद अपनी जगह होते हैं, मन भेद नहीं होने देना चाहिए। आज इसीलिए इसी विषय पर बात करना चाहती हूँ कि बहुत सारे विषयों पर बात करते करते मतभेद तो है, मतभेद के साथ साथ क्या हो जा रहा है, मन भेद हो जा रहा है। मेरा दिन तो बहुत अच्छा कटता है क्योंकि मैं सुबह से बच्चों को पढ़ाना शुरू करती हूँ, अपने पौधों को देखती हूँ, अपनी जो सब्जी के पौधे मैंने लगाए हैं उनको देखती हूँ और उसमें बिजी रहती हूँ। मेरे जो गार्डन में बहुत घास उग गई है उसको भी उखाड़नी है, जैसे आप लोग भी कर रहे होंगे। और उससे मुझे ये दिख रहा है कि जिस तरह मेरे बागीचे में वो जो घास के बीच में एक दूसरे किस्म का घास उग रहा है, देखने में सुंदर अवश्य लगता है, मगर उसके साथ दिक्कत ये है कि एक बार वो पकड़ ले जड़ तो चारों तरफ फैल जाता है और जिसकी वो जगह है यानी कि घास की, वो उसको तक खा जाता है। जब हम बात कर रहे हैं, ये देखिए बाबा अजय देव समाजवादी लिख रहे हैं नोएडा में, आज मैं आपकी ही बातें जानना चाहती हूँ, लिख रहे हैं नोएडा में हकीकत में खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है। सारे मार्केट बंद हैं और खास तौर से मेरे जैसे लोगों को, क्योंकि कहीं मांगने की आदत नहीं, प्रेम बना पाते नहीं, तो इस समय हमारे जैसे काफी भाई हैं जिनके लिए उन्हें नहीं हुई जाना है। आपका भाई बाबा अजय देव समाजवादी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जाकर मांग नहीं सकते खाना और मांगेंगे नहीं, परंतु ये भी आवश्यक है। मैंने देखा कि फेसबुक पे किसी ने लिखा था कि अगर घर में खाने की दिक्कत है तो आप एक मुझे इनबॉक्स में मैसेज करिए, मैं आपके घर के बाहर खाना छोड़ दूंगी और इसके विषय पे इसके आगे हम बात नहीं करेंगे। क्योंकि आपने लिखा है उपेंद्र जी ने,
हमारा दिन भी मैडम बहुत अच्छा करता है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं। लॉकडाउन 2 महीना 3 महीना बॉर्डर सील कर दिया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, किसी की सेवा करनी है उससे हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। बहुत सारे लोग जो हैं वो लोगों की मदद कर रहे हैं, पर आपको एक बात बता दूं कि अब जो है, अब आपको भी सवाल, अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो सवाल उठाइए। अभी कभी कभी बातें हो रहे हैं कि नोट कहीं गिरे मिल रहे हैं, ये सब अफवाहें हैं, इन पर मत जाइए कि कहीं पे नोट गिरे हुए हैं, उनको आप छुएंगे तो वो संक्रमण आप में आ जाएगा। ऐसी भी बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही है, इसलिए ये आवश्यक है कि आप जो बातें हो रही हैं उनकी सच्चाई की ओर ध्यान दीजिए। आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से जो बोरिस जॉनसन है प्रधानमंत्री यूके के, वो आईसीयू में है, मगर स्थिति जो है उनकी ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति ठीक है, उनको केवल ऑक्सीजन दिया गया। उधर दूसरी तरफ एक और खबर टीवी वाले दिखा रहे हैं, और क्या बेतुकी खबर है, आप देखिए। वो दिखा रहे हैं कि किस प्रकार चाइना जो है वो पटाखे छोड़ रहा है। बताइए, जब हम इस चीज के बीच में हैं और हम पटाखे छोड़ सकते थे, तो ये कार्यक्रम उसी महिला का है, एबीपी न्यूज वाली, जो ये बात पूछ रही है कि चाइना को देखो वो पटाखे कैसे छोड़ रहा है। आप मुझे बताइए कि अब हम क्या दूसरे देशों को के ऊपर मतलब अपने निशाना दागना शुरू करेंगे कि वो क्या चीज कर रहे हैं? नहीं, अब हमारे को देखना है कि हमारे देश में जो टेस्टिंग है वो बढ़े। आपको एक बात बताऊं, एक चीज मैंने नोटिस करी है कि जितने हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, हर मुख्यमंत्री बेहतरीन काम कर रहा है। एक मुख्यमंत्री जो है, बहुत अच्छा किया आपने कि आपने न्यूज बंद कर दी है, न्यूज देखने का कोई फायदा नहीं है, न्यूज तो है ही नहीं। अब आपको बताऊं कि एक मुख्यमंत्री जो है वो दोष दे रहे हैं, जिन मुख्यमंत्री की वजह से यह लॉकडाउन 21 दिन टल गया। कौन से मुख्यमंत्री बता सकते हैं आप में से कोई? वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पिछली सरकार की वजह से हमारे यहाँ ठीक से चीजें संभल नहीं पाई, और इस वजह से जो कुछ नुकसान हुआ है हमारे यहाँ वो हुआ है। अब आप मुझे बताओ कि ये कौन सा वाला मुख्यमंत्री होगा, ये कौन सा वाला स्टेट होगा? ये केवल एक ही स्टेट हो सकता है ना, जिस स्टेट में एक भी व्यक्ति ठीक नहीं हुआ, और जहां पे 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, टोटल केसेस 250 से ज्यादा है, 259 टोटल केसेस आए हैं। मेघालय में सीजे तो मिल रही, लेकिन दाम ज्यादा। हाँ, ये बड़ी दिक्कत है। एक किसी ने मेरे को मैसेज भेजा था कि वो मैंने फॉरवर्ड कर दिया है, मगर ये बड़े दुख की बात है कि कहीं पर जो आपका सैनिटाइजर है उसके दामों में बढ़ोतरी करके बेचा जा रहा है। अगर सामान जो है एसेंशियल सर्विसेज जो दे रहे हैं, सब्जी है, फल है, ब्रेड है, अगर ये चीजें सही दाम पे पहुंच रहे हैं तो ये सही दाम पे हमें मिलना चाहिए। और इसके बारे में अगर आप कहेंगे नहीं नहीं इसके ऊपर सवाल मत उठाओ, अगर सवाल उठाओगे तो आप देशद्रोही हो जाओगे। तो वो सारे लोग देशद्रोही हैं जो ऐसे विषय पे सवाल नहीं उठाते और सरकार का ध्यान नहीं देते, क्योंकि अगर ये सचमुच में अपनी सरकार को चाहते, जिसके बारे में ये बोलते रहते हैं, तो ये सवाल उठाते, ऐसा थोड़ी करते कि वहां पे कुछ भी गलत हो रहा है तो ये कह रहे हैं जी होने दो, है ना। अब मैं जानना चाहती हूं कहां है ये भक्त जो इतनी बातें बोलते हैं। वसीम जी आप लिख रहे हैं, वडोदरा गुजरात में कुछ एरिया को रेड जोन में डाल दिया गया है, लास्ट 48 आवर्स में केस 12 to 59 पर जंप हो गया है, कुछ लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, जिसका खामियाजा देश के बाकी लोगों को भुगतना पड़ेगा। भाई, अगर किसी चीज को, अगर बीमारी को धर्म से जोड़ेंगे तो खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा, किसी एक को नहीं भुगतना पड़ेगा। गुजरात में लोग ठीक भी हुए हैं, 26 लोग ठीक हुए हैं, परंतु 17 लोगों की मृत्यु हो गई है, 241 लोग जो है अब तक संक्रमित पाए गए हैं। परंतु मैं जानना चाहती हूं कि आपका क्या कहना होगा उस राज्य के बारे में जिसके मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वहां की सरकार को गिराया गया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, और इस पूरे प्रोसेस में 21 दिन लॉकडाउन पीछे हो गया। वरना शायद लॉकडाउन
21 दिन पहले ही लग जाता जिस दिन उनकी सरकार बनी। ये मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश की। जी हाँ, शिवराज चौहान जो है भले ही किसी को भी दोष दे रहे हों, परंतु जिम्मेदारी तो उनकी है। अगर उन्हें इतनी लालसा थी मुख्यमंत्री बनने की, तो अब आवश्यक है ना कि वो पिछली सरकार को दोष देने के बजाय अपनी चीजों को ठीक से करें। उनके उनके प्रदेश में 16 लोगों की मृत्यु हो गई है, अभी तक कोई ठीक नहीं हुआ है, 259 लोग अब तक संक्रमित पाए गए हैं। क्या ये आवश्यक नहीं है? आप लोग, बहुत सारे लोग जो है इस पूरे खेल में उलझ के रह गए हैं, इसको कम्युनलाइज करके। इस बीमारी को अगर आपने कम्युनलाइज किया, मैं आपसे कुछ सवाल जानना चाहती हूँ भक्तों, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। भूख से मर जाएंगे मगर कोरोना को जरूर भगाएंगे, ज्योति किंडो बोलना बड़ा आसान है। जिस गरीब के घर में बच्चे को पिलाने के लिए दूध नहीं, जिसके घर में बच्चे को खिलाने के लिए खाना नहीं, वो अगर उसके घर में कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा वैसा, तो इसका पाप आपके सर भी चढ़ेगा और मेरे सर भी, और मेरे देश की सरकार के सर पे उनका खून होगा। तो इसलिए जरूरी है कि अगर कहीं पे आप ऐसा देखें तो सरकार को जाके अपनी बताइएगा कि ऐसा ताकि ना हो। हर व्यक्ति के पेट में खाना अवश्य जाए और कोई बच्चा भूख से बिलबिलाए ना, ये आवश्यक है। आपको एक चीज जानना चाहती हूँ, ये जो तबलीगी जमात की बात आप लोग भी बड़े जोर शोर से करते हैं, और ये जाहिल टेलीविजन चैनल वाले जो हर चीज को घुमा के बताते हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 20 मार्च के पहले के जो केसेस हैं, क्या 20 मार्च के पहले कोई केस नहीं आया था? आप मुझे बताइए कि 20 मार्च के पहले क्या कोई केस नहीं था भारत में? अगर 20 मार्च के पहले केस नहीं था, तब तो ठीक बात है। और अगर 20 मार्च के पहले के केस थे, जैसे 20 मार्च तक जो केस थे, वो आपको बता दूं कि 195 थे। जी हाँ, और उसके बाद 2 दिन के अंदर ये जो है 200 से ज्यादा बढ़ गए और 396 केसेस हो गए थे 22 मार्च तक। और जब ये पहले केसेस मिले हैं तबलीगी जमात वाले लोगों का, जो कि करीब 27-28 तारीख मान लीजिए, तो 27 तारीख को 820 केस हो चुके थे। 820 केस ये कहां से आए? आपको बताऊं, जो आप ये बात बोल रहे हैं, आप उन लोगों की बातों को सुनकर बोल रहे हैं जो इस बात को भुनाना चाहते हैं। ऐसे वक्त में भुनाएंगे, ईश्वर भी माफ नहीं करेगा, ईश्वर भी नहीं माफ करेगा अगर आप इस वक्त इस इशू को कम्युनलाइज करेंगे। बेशरम है वो लोग जो बार बार इस इशू को हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। बंद करिए इसको, अगर हमने ये किया तो ये हमारा नुकसान है। ये नुकसान कैसे? पहली बात मैंने आपको बताया कि जब तक तबलीगी जमात वाले लोगों के केसेस सामने आए, उसके पहले, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं, 27 तारीख तक 820 केस और 28 तारीख को 983 केस आ चुके थे। तो ये जो केसेस थे, मैं 27 को ही लेना चाहती हूं, 820 केस, ये 820 केस आपके तबलीगी जमात वालों के पहले वाले केस हैं। कितने? 820। इसके बाद अचानक से केसेस बढ़े, क्योंकि तबलीगी जमात वालों के यहाँ ये पाया गया कि वे संक्रमित हैं और उनकी टेस्टिंग शुरू हुई। ये है कीवर्ड, समझ में आया? पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा कम्युनलाइजेशन जो आप कर रहे हैं यहाँ। और आज सोशल मीडिया के जमाने में आप हर जगह ये मैसेज भेज रहे हैं कि आप बीमारी को भी कम्युनलाइज कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि ये बीमारी अगर किसी मुसलमान को आई है तो ये हिंदू तक भी तो पहुंच सकता है। अरे आप मुझे एक चीज बताइए कि जो ये पहली बात जो मैंने आपसे पूछी, इसका जवाब दे दीजिए और मैं आपको बताऊंगी कि ये इतने केसेस क्यों आए हैं। तबलीगी जमात जो मरकज में हुआ, वहां पे चाइना से भी लोग आए, वहां पे इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब जगहों से लोग आए, और इनको रोकने का काम किसने करना था? इनको रोकने का काम करना था भारत सरकार, विदेश मंत्रालय। क्या किया विदेश मंत्रालय ने? जयशंकर है ना मंत्री,
आप मुझे बताइए क्या किया। आपको पता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने सार्क की एक मीटिंग बुलाई, सार्क देशों के जो लीडर्स हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई मार्च 8 को, और उसमें उन्होंने कहा कि भारत ने तो 18 जनवरी से ही जितने लोग बाहर से आ रहे थे उनकी स्क्रीनिंग शुरू कर दी। चलिए ये भी मान लिया, चलिए ये भी मान लिया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं और हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर सील नहीं हुए, जो बात मैं बार बार कहती हूँ, हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर सील हो जाने थे कि बाहर के लोग यहाँ ना आते तो ये बीमारी को लेके, अगर बॉर्डर सील नहीं भी हुए और तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी, भक्तों जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए, हमारे भक्त बताएं कि मेरे प्रधानमंत्री ने जब सार्क देशों के नेताओं को ये बात कही थी कि 18 जनवरी से हमारे भारत में हम बाहर के मुल्कों से आने वाले विदेशियों की स्क्रीनिंग स्टार्ट कर चुके थे, तो कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति जो संक्रमित था वो कैसे देश के अंदर घुस पाया, वो कैसे मरकज तक पहुंच पाया। अब आप भले ही कुछ भी कहें मगर ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा, मैं उनका आदर सम्मान इसलिए करती हूं क्योंकि वे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, और मैं ये मानती हूं कि जो उन्होंने कहा वो सत्य है। उन्होंने कहा कि 18 जनवरी से स्क्रीनिंग शुरू हो गई थी, तो 18 जनवरी से स्क्रीनिंग शुरू हो गई थी तो एक भी संक्रमित व्यक्ति देश के अंदर कैसे आ गया। वो इटालियंस जो सबसे पहले गए राजस्थान में और उनके अंदर ये संक्रमण पाया गया, उसके पहले भी एक व्यक्ति 30 जनवरी को संक्रमित पाया गया था, तो जब पहला व्यक्ति 30 जनवरी को पाया गया तो हमारे विदेश मंत्रालय ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या किया, क्या उन्होंने बताया हमारे प्रधानमंत्री जी को कि ऐसे केसेस आ गए हैं, जबकि हमने स्क्रीनिंग करी है, जबकि आपने हमें कहा था इसलिए हमने स्क्रीनिंग करी और फिर भी हमारे देश के अंदर संक्रमित लोग आ गए और इससे कोरोना वायरस जो है लोगों तक पहुंच सकता है। अगर नहीं किया तो वे बता दें कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वे बताएं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वे ये बताएं कि किस प्रकार से ये लोग मरकज तक पहुंच गए। अगर ये लोग मरकज तक पहुंच गए, आप मेरी एनर्जी की चिंता मत करिए शर्मा जी, आप थोड़ी सी शर्म कर लीजिए, आप थोड़ी सी शर्म कर लीजिए। समझ में आया जी? आप लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ मरकज से सब जगह गए, तो इसकी बात को ज्यादा मान दूं, आपकी बात को, आप भक्तों की बात को, या अपने प्रधानमंत्री की बात को। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 18 जनवरी से स्क्रीनिंग हमारे यहाँ शुरू हो गई, और 18 जनवरी से स्क्रीनिंग शुरू हुई तो जिम्मेदारी किसकी है कि संक्रमित लोग भारत देश के अंदर पहुंच गए और घूम भी रहे थे। इस जिम्मेदारी का क्या किसी के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी रहेगी या नहीं, इस ये जिम्मेदारी कोई लेगा या नहीं, किसी के ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं, उसके बाद, ये तो हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, आप लोग कहते हैं कि मरकज वालों ने फैलाया, जमात, तबलीगी जमात ने फैलाया। आप लोग मुझे ये भी बता दीजिए कि तबलीगी जमात वाले अगर इस वक्त आइडेंटिफाई हो गए कि ये हॉटस्पॉट हो गया, तो उनको, उनके टेस्टिंग शुरू हो गई। क्योंकि उनकी टेस्टिंग शुरू हो गई मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसलिए उनमें वो लोग जो संक्रमित हैं वो पकड़े गए और उनका इलाज शुरू हुआ। और ऐसे बहुत सारे लोग, क्योंकि ये समझ में आ गया कि ये तबलीगी जमात में जहाँ पे गए थे ये लोग मरकज में, उस जगह पे कुछ संक्रमित लोग थे जिनसे ये संक्रमण बाकियों में गया होगा। यही तो,
तो आप मुझे बताइए कि जो लोग संक्रमित हुए और पूरे देश में गए, उनका उनकी टेस्टिंग शुरू करी गई। टेस्टिंग इज द की, टेस्टिंग शुरू करी गई। इसी वजह से पता चल गया कि वो लोग जिनके अंदर संक्रमण है वो इन लोगों में भी मौजूद हैं, और उनको टेस्टिंग करके उनका इलाज हो रहा है। उसमें लोग बच भी रहे हैं, नहीं भी बच रहे हैं। और इसके अलावा जो बाकी एरियाज है, आपकी टेस्टिंग हुई, आपकी टेस्टिंग हुई, मेरे लिए टेस्टिंग करने कोई आया? हमारे पास इतने टेस्टिंग किट्स नहीं है, क्योंकि ये कम्युनलाइज भी आपने कर दिया तो आपने एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। यदि आप इसे कम्युनलाइज नहीं करते तो आप सरकार से ये सवाल करते कि भाई इन लोगों की टेस्टिंग तो आप कर रहे हैं, क्योंकि मरकज में ऐसे व्यक्ति मिले थे जो संक्रमित थे। कनिका कपूर जैसे लोग और भी, मैं उनको टारगेट नहीं कर रही बिल्कुल भी, लेकिन उस प्रकार के जो लोग हैं, वो लोग जब भारत देश में आए और उनके यहाँ जिन्होंने काम किया, उनसे जो लोग मिले, उनकी टेस्टिंग क्यों नहीं कर रहे हैं आप सरकार, भारत सरकार? आप निर्देश दे राज्य सरकारों को कि उन लोगों की टेस्टिंग करवाएं जो उन लोगों के संपर्क में आए हैं जो बाहर देश से आए हैं। एक बार अगर हमारी सरकार ये बात कह दे, एक बार अगर अनाउंस हो जाए कि जो लोग भी कहीं पर भी आपको लगता है कि आप उन लोगों के संपर्क में आए हैं जो विदेशों से आए हैं, जो यूरोप से आए हैं, जो चाइना से आए हैं, कहीं से भी आए हैं, आप लोग स्वयं सामने आइए और अपनी टेस्टिंग कराए। और यदि आपके अंदर जरा भी सिम्टम आता है, सूखी खांसी आती है, आपका गला बैठा बैठा जाता है, या आपके सिर में दर्द, आपको दस्त या कुछ भी ऐसा लगता है, सांस में दिक्कत हो रही है सांस लेने में, तो तुरंत ही निकटतम अधिकारी जो है उनके संपर्क में आइए। उनको बताइए कि हो सकता है कि आप जिन लोगों के संपर्क में आए हो, आपको उनसे ये संक्रमण आ गया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपको फ्लू हुआ या खांसी हो रही है ये कोरोना वायरस की वजह से है क्या? आपने किया किसी ने भी? क्योंकि आपको बता दूं कि ये संक्रमण आप तक पहुंचेगा, अधिकतर लोगों के अंदर ये संक्रमण पहुंच के आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक भी हो जाएंगे। भारतीय हैं, गंदा खाने की आदत है, खांसी सर्दी होती रहती है, कोई भी दवाई उठा के खा लेते हैं। अब की बार कोई भी दवाई मत खाइएगा, परंतु आप हमारी जो भारतीय लोगों की इम्यूनिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। गंदा खाना खा रहे मतलब, और बहुत मुश्किल वाली लाइफ जीते हैं भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप मजदूरों को देखो, इतने पतले पतले कई मजदूर होते हैं, इतना भारी सामान उठाते हैं, देख के डर लगने लगता है कि कुछ हो ना जाए व्यक्ति को, जब पसीने छूट रहे होते हैं उस व्यक्ति के। परंतु उनके अंदर ताकत बहुत होती है और उनका इम्यूनिटी बेहतर होता है। तो अगर अगर जैसे ये संक्रमण उन तक पहुंचा भी तो वो उसको झेल पाएंगे, और इसी वजह से तो लोग बच रहे हैं और अधिकतर लोग बच जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि जिसको ये संक्रमण हो रहा है वो सीधे ऊपर ही चला जा रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन संवेदनशील होने की आवश्यकता है, सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता है। ये बीमारी की बात है, ये धर्म की बात नहीं है। भगवान ने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं और हर देश जो है इस वक्त इन चीजों से ऊपर उठ के बात कर रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भगवान जो है वो जो शक्ति है वो हमें माफ कर दे, हमसे अगर कोई गलती हुई तो हमें माफ कर दे। परंतु हम फिर उन्हीं का नाम लेके शुरू हो गए। परंतु अगर आप उन्हीं का नाम लेकर शुरू होना चाहते हैं तो कम से कम ये बता दीजिए कि कौन सा ईश्वर ऐसा है जो कहेगा कि इसको एक धार्मिक रूप दे दो। ये भारत देश है, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी जो है हिंदू क्यों होते हैं, हम हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं। ये जो हिंदुत्व वाला आपने निकाला है ना,
ये पता नहीं क्या है, क्योंकि धर्म जो है वो तो सनातन धर्म होता है और हिंदुइज्म जो है वो तो जीने का एक तरीका है। हिंदू सच्ची का जो हिंदू होता है वो हर व्यक्ति को साथ लेके चलने की क्षमता रखता है। पहले मुझे ऐसा लगा था कि जैसे आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके अंदर शायद मुझे ये दिख रहा था कि वे सारे लोगों को साथ लेकर चल पाएंगे, पर फिर मैंने उनको क्या देखा, एक तरफ वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पढ़े लिखे हैं और वो सबको साथ लेके चलना चाहते, उसके बाद वो हनुमान चालीसा सुनाना शुरू कर दिया उन्होंने, फिर उन्होंने अब ये तबलीगी जमात वाले मैटर में भी जिस प्रकार से इन्होंने इसको प्रोजेक्ट किया, इससे ये साफ हो गया है कि नहीं, ये भी राजनीति कर रहे हैं। और ये राजनीति ऐसी कर रहे हैं कि इनकी राजनीतिक रोटियां बेहतर तरीके से सिक रही हैं। इनको लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। मैंने अभी तक ये नहीं कहा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये मैं अभी भी कह रही हूं, परंतु मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि वो सेंटर में उभर के आने के लायक है, जबकि वो पढ़े लिखे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे भी अभी भारत को पूरी तरह समझ नहीं पाए। वो पढ़े लिखे अवश्य हैं, परंतु वो दुविधा में है कि वो अपने आप को हिंदू कहें, प्रोजेक्ट करें, सनातनी कहें, प्रोजेक्ट करें, कैसे करें, सब लोगों को साथ में लेकर चले या केवल हिंदुत्व की रक्षक बनकर आगे बढ़े। ये उनको दिक्कत हो रही है, उनके उन्हें कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे आपको बताऊं, कम्युनिस्ट को कोई कंफ्यूजन नहीं होता, वो कम्युनिस्ट है तो वो कम्युनिस्ट है, वो कहते हैं जी हम तो नहीं मानते किसी भगवान को, हम तो जो मान रहे हैं बस वही मान रहे हैं और हम तो चाहते हैं सारे लोग बराबर के हों। और इस विषय में केरला का एग्जाम्पल दे रही हूँ, केरला जिस प्रकार से इस पूरी स्थिति को संभाले हुआ है उनका कमाल है। और उनका कमाल मैं आपको ये बता दूं कि उनके यहाँ देखिए अभी तक 2 लोगों की मृत्यु हुई है, 2, और 96 लोग ठीक हो गए हैं, जबकि टोटल केसेस 357 है। और यही वो राज्य है जिनके यहाँ वुहान से स्टूडेंट्स आए थे। अब आप मुझे बता दीजिए, वुहान से सारे स्टूडेंट्स इनके यहाँ आते हैं, मगर इनके यहाँ मृत्यु जिनकी होती है वो ज़्यादा उम्र वाले होते हैं, उनकी और कोई बीमारी भी होती है, और उन 2 के अलावा ठीक कितने हो जाते हैं? 96। मगर मैं ये मानती हूं कि अभी भी जो भारत का डेटा है वो सही नहीं आ रहा, क्योंकि टेस्टिंग काफी नहीं हो रही। आप मुझे बताइए कि ऐसी बहुत सारी मलिन बस्तियां होंगी ना, जहां के लोग काम करने जाते हैं बड़े बड़े घरों में, हैं आलीशान बड़े घर वाले कैसे चलते हैं? जब तक इनके यहाँ लोग काम करने नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा? और ये आलीशान घरों में रहने वाले या वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जिन्हें विदेश जाना पड़ता रहा है, वो विदेश से अगर आए हैं और उनके अंदर ये सिम्टम्स भले ही ना आए हो, उनसे अगर ये संक्रमण किसी एक आम आदमी को, उनके यहाँ काम करने वाले व्यक्ति को जाता है और वो जाता है अपने मलिन बस्ती में, और वो जाता है सारा सामान वगैरह खरीदने जाता है, जगह जगह जाता है, और कितने लोगों के संपर्क में आता है, हो सकता है उसकी इम्यूनिटी बहुत बढ़िया हो, क्योंकि सेठ जी क्या काम करते हैं, अच्छा खाना मिलता है, अच्छी तनख्वाह मिलती है, परंतु जहां जहां वो गए हैं क्या वहां वहां हर व्यक्ति को अच्छा खाना मिलता है, अच्छी इम्यूनिटी होती है उनकी? और उनमें से कितने ऐसे गरीब होंगे जिनको अगर ये संक्रमण होता है तो वो क्या डॉक्टर तक जाएगा? आप अपने बारे में सोचिए, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, और हम सब जानते हैं कि हम लोग ओवर द काउंटर दवाई खरीद के ठाक फाक जाते हैं, करते हैं या नहीं? पेट दर्द होगा और जाएंगे केमिस्ट के यहाँ, भैया पेट में बहुत दर्द है, नहीं ऐसा वाला दर्द हो रहा है, नहीं पता नहीं कल से हो रहा है, वो डॉक्टर बन के केमिस्ट कहेगा ये वाली दवाई खा लेना, 2 खा लेना, 1 सुबह 1 शाम, इतने में ठीक हो जाएगा, वरना फिर कल ले जाना, या 2 दिन खा लेना ठीक हो जाएगा, होता है या नहीं होता बताइए? और हम खा लेते हैं।
अब आप मुझे बताइए, ऐसे कई गरीब लोग जो सोचते हैं अरे अब 2 दिन खांसी तो है, 2 दिन बाद ठीक हो जाएगी, उसके बाद देखेंगे, और इसमें अचानक से सांस लेने में दिक्कत हो, नहीं नहीं दरअसल इनकी उम्र ज़्यादा थी इसलिए इनकी मृत्यु हो गई, फिर जाते हैं उनका क्रियाकर्म भी कर रहे होंगे ऐसे लोग, तो उनके बारे में क्या कहेंगे भक्तों, क्या कहोगी, उनकी टेस्टिंग तो नहीं हो रही। मतलब एक व्यक्ति जो ऐसी जगह काम करता है जिस जहां पे संक्रमण है, संक्रमण उसने पिकअप किया, ऐसा तो है नहीं कि ऐसा नहीं हुआ होगा, जैसे कनिका कपूर ने बताया नहीं कि वो बाहर से आई, ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे जो बाहर से आए होंगे जिनमें ये संक्रमण होगा और ये संक्रमण आगे पास ऑन हो गया होगा। क्या हमने टेस्ट किया? क्या हमारी सरकार टेस्टिंग को बढ़ा के ऐसे लोगों की टेस्टिंग कर रही है? आप बताइए, जानते हैं कहां हो रही है? ये केवल कुछ ही राज्यों में हो रही है, जैसा कि मैंने आपको कहा, हेमंत सोरेन का बता दूं आपको, उन्होंने अच्छी तरह से टाइटली सिक्योर कर लिया अपने बॉर्डर्स, वो नहीं चाहते कि कोई बाहर से आए। आप जानते हैं कि किस प्रकार से बहुत सारे राज्य जो है वो लॉकडाउन को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे को इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं। उधर देखिए, वो जो मैंने आपको स्वास्थ्य मंत्री के बारे में बताती रहती हूँ, केरला की जो मैडम शैलजा है, टीचर शैलजा ने इतने बेहतरीन तरीके से संभाला है केरला के केसेस को कि वुहान के स्टूडेंट्स उनके यहाँ आए, टोटल केसेस उनके यहाँ 350 से ज्यादा है, 2 लोगों की मृत्यु हुई है और 96 लोग जो है वो ठीक हो गए। तो क्या कमाल है भाई, मतलब सोच देखो कितनी कितनी आगे की सोची होगी, उन्होंने तैयारी करी, उनके यहाँ वेंटिलेटर्स की कमी नहीं, बेड्स की कमी नहीं। उधर देखिए नवीन पटनायक ने बेड्स तैयार कर लिए हैं, पता नहीं कितने बेड्स, मैंने सुना है उसका एक हॉस्पिटल ही तैयार करके रख लिया है। मगर जो चीज आपको बोलने की जरूरत है और जो चीज एक राज्य में बहुत हो रही है, मैं जानती हूं कि आप कहेंगे कि दिल्ली में बहुत टेस्टिंग हो रही है, दिल्ली देश का दिल है, दिल्ली देश की राजधानी है, परंतु जानते हैं कहां पे हो रही है असली टेस्टिंग? असली टेस्टिंग हो रही है बंबई में, मुंबई में। उद्धव ठाकरे का डर देखा, उन्होंने किस प्रकार से टेलीविजन चैनल वालों को धमकी दे ही देना कि अगर किसी ने अफवाह फैलाई, किसी ने इस इशू को धर्म के का नाम धार्मिक एक कलर दिया तो उसके खिलाफ केस करेंगे। अरे भाई, उनका ये कहना था कि ये मीडिया वाले थोड़ा सा पीछे हटना शुरू कर गए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने, वे कहाँ है, वे फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, मतलब आर्थिक राजधानी देश की मुंबई है, और आर्थिक राजधानी में बैठे हुए उद्धव ठाकरे ने क्या किया, उद्धव ठाकरे ने धारावी जो है एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती, वहां पे जैसे ही केसेस शुरू हुए उन्होंने बिल्डिंग्स को सील करना शुरू कर दिया, एरियाज को सील करना शुरू कर दिया और वहां पे टेस्टिंग शुरू कर दी। और देखिए, एक तरफ वो है, दूसरी तरफ राजस्थान में 7.5 करोड़ लोगों की टेस्टिंग होनी है, स्क्रीनिंग होनी है, टेस्टिंग नहीं स्क्रीनिंग, कि किसी को भी कोई बीमारी, मतलब ये बुखार ना हो, बुखार है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है उसकी टेस्टिंग करी जाएगी। भीलवाड़ा में उन्होंने सबके घरों में, मतलब घर घर जाकर उन्होंने टेस्टिंग करी, पूरा सिस्टम जो है एकजुट होकर करने लगा, बहुत बेहतरीन काम हुआ। पर मैं उनसे ज्यादा क्यों ज्यादा मोल दे रही हूं उस चीज का जो उद्धव ठाकरे ने किया। उद्धव ठाकरे देखिए पहली बार मुख्यमंत्री बने और इनका कमाल आप देखिए, उद्धव ठाकरे ने जो किया है वो एक मिसाल है, क्योंकि उन्होंने जैसे ही देखा कि यहां केस आ गए हैं उन्होंने टेस्टिंग बढ़ा दी, और अभी भी वो टेस्टिंग किट्स मांग रहे हैं, जितने मांग रहे हैं उतने उनको मिल नहीं पा रहे, मगर उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग होगी वहां पे आपके महाराष्ट्र में, और मुंबई में तो उन्होंने कहा एक एक व्यक्ति की स्क्रीनिंग हो जाएगी, और जिनके अंदर भी जरा भी सिम्टम दिखाई दिया उसका COVID-19 टेस्ट किया जाएगा। अब आप कहेंगे
कि जब मैं एक तरफ बात कर रही हूँ राजस्थान की और दूसरी तरफ दिल्ली की, उधर बंगाल में भी ममता दीदी काम कर रही हैं, मगर उनके बारे में हर तरह की खबर आती है। हेमंत सोरेन इतना सुंदर काम कर रहे हैं, आप देखिए कि टीचर जो है शैलजा टीचर वो अच्छा काम कर रही है, तो मैं फिर उद्धव ठाकरे की बात क्यों कर रही हूँ? जानते हैं क्यों? क्योंकि पहली बात आपको समझना पड़ेगा, भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत देश में जो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, हिंदुइज्म जीने का एक तरीका है, हिंदुइज्म धर्म नहीं है, धर्म तो सनातन धर्म है, हिंदुइज्म धर्म नहीं है और हिंदुत्व तो कोई धर्म है ही नहीं, हिंदुत्व तो नाम दे दिया है भारतीय जनता पार्टी वालों ने, जो पहले जनसंघ था और उनका जो ये आरएसएस जो इनका संघ है, इन लोगों ने बनाया है भैया ये हिंदुत्व। अरे हम तो कहा करते थे जय सियाराम, अब ये कहते हैं जय श्री राम। चलिए मुझे खुशी है कि सीता मैया को इन्होंने भार रखा है इस जय श्री राम के नारे से, मगर जय श्री राम इनसे नाराज है। अगर जय श्री राम इनसे नाराज हैं तो कौन है जो जय श्री राम के नारे को साकार करता हुआ खुश कर देगा ईश्वर को, खुश कर देगा भगवान राम को? जानते हैं कौन? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे के जो पिता आप सब जानते हैं कितने, बाला साहेब ठाकरे कितने कट्टर हिंदुत्व वाले थे, वही पर मुझे फिर भी लगता है कि वो जो सनातन धर्म वाला जो एंगल था उनका बहुत स्ट्रांग था और उन्हीं के रास्ते पे चल पड़े हैं राज ठाकरे। परंतु आप मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं, अरे तेरे बोलने से क्या होता है बुड़बक, तू कुछ भी कह ले, तू अपने नेता को देख ले, उसकी नाटकबाजी देखी है, उसकी नाटकबाजी से कमी होगी ना, उतने अच्छे नाटकबाज हम हैं नहीं, वरना वहां होते जहां वो हैं, है ना? तो बस अपना मुंह बंद रख बुड़बक। अच्छा अब मैं बात कर रही थी कि क्यों मैं कह रही हूं कि उद्धव ठाकरे जो है एक बेहतरीन नेता है, जितने हमारे नेता हैं उनमें सबसे बेहतरीन काम उनका मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि पहली बात देखिए उनका अपना कैरेक्टर, उनका अपना व्यक्तित्व। आप भी ये तो नहीं कह सकते कि वो जिसको आप हिंदुत्व कहते हैं, जो सनातन धर्म है भारत का, इन सब को अलग रख के मैं कहूंगी कि ये वही व्यक्ति है जो हिंदुइज्म का परचम लहराता रहा है। आप कहेंगे कैसे, जब मैं ये कह रही हूं कि ये उस तरह के कट्टर नहीं है, बताती हूं। जहां तक बात है उद्धव ठाकरे की, तो ये आप में से क्या कोई कह सकता है कि ये हिंदू नहीं है? कह दीजिए ना, कह कर देखिए और उनको देखिए, उनका जो संघ है, उनका जो संगठन है वो कैसा मजबूत है, बड़े सालों से देख रहे हैं और किस प्रकार से चिंता क्यों कर रहा जितेंद्र, तेरे वाले को हटाने वाला आ गया है, आ गया है उद्धव ठाकरे, जो हटाएगा तुम्हारे इस नाटकबाज नेता को जिसने बना के रखा है लोगों को बेवकूफ हिंदुत्व के नाम पे, क्योंकि ये असली परचम नहीं उठा पाया हिंदुत्व का, असली परचम उठाने वाला आने वाला है, आ चुका है, मगर अभी महाराष्ट्र तक रुका हुआ है, महाराष्ट्र से जब ये शिव सैनिक चलेगा दिल्ली की ओर, तब पूछूंगी तुमसे, तब आके जवाब देना, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो प्रूव करेगा कि ये बेहतर नेता है हमारे देश के लिए। जानते हैं क्यों? आप कहेंगे कि इतना कट्टर है और मैं कह रही हूं, और मैं कहूंगी कि ये कट्टर नहीं है, ये अपने धर्म के प्रति कट्टर होगा, परंतु ये पढ़ा लिखा व्यक्ति
इसको मैं तब से देख रही हूँ, इनका मैं बहुत मान सम्मान करती हूँ, पढ़े लिखे हैं, इन्हें फोटोग्राफी का शौक है। और इसी वजह से जब बाला साहेब ठाकरे थे तो लोग सोचते थे और कहते थे कि राज ठाकरे जो है वो इनके इनको सक्सीड करेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बाला साहेब ठाकरे इन्हीं को बना के गए अपना सक्सेसर। तो इनके ऊपर पहली बार आशीर्वाद जो है वो बाला साहेब ठाकरे की है, जो हिंदुत्व का झंडा परचम लहराते रहे जीवन पर्यंत। कोई कोर्ट हो, कोई कुछ हो, मगर लोग जाते थे मत्था टेकने कहाँ पे, बाला साहेब ठाकरे के समक्ष। कोई भी दिक्कत हो, अमिताभ बच्चन हो, सुनील दत्त हो, ये सब गए थे और इन्होंने माथा टेका था बाला साहेब ठाकरे के सामने। तो जहां तक हिंदुइज्म की बात है तो कोई सवाल नहीं उठा सकता कोई भारत देश में अगर कोई नेता हिंदू है तो। लेकिन अगर हम बात करते हैं उद्धव ठाकरे की, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी सोच जो है ये अलग है, ये सच्ची में अपनी धर्म का ना सिर्फ देखभाल करेंगे, उसकी रखवाली करेंगे, परंतु ये देश की भी रखवाली करेंगे। मुझे संशय था बहुत समय तक, मगर जब मैंने इनका ये एटीट्यूड देखा है ना, ये COVID-19 के समय, तो मैं समझ गई हूँ कि यही वो बंदा है, यही वो व्यक्ति है जिसके व्यक्तित्व में वो सब कुछ है जो एक सच्चे हिंदुस्तानी में होना चाहिए, जो एक सच्चे हिंदू में होना चाहिए। हम सब हिंदुस्तान में जो रहते हैं, हम हिंदू इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा धर्म हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म नहीं, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। तो इसलिए अगर आप बात करते हैं उद्धव ठाकरे की, तो ये वो व्यक्ति है जो पीछे नहीं हटने वाला राम मंदिर बनाने के विषय पर, जो पीछे नहीं हटने वाला अपने धर्म का सम्मान करने पर। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है जो सबको साथ लेके चलने के लायक नहीं, केवल लायक नहीं, ये क्षमता है इसके अंदर, ये क्षमता भी है और ये सोच भी है, ये इच्छा भी है, ये कर गुजरने की शक्ति भी है। किसमें? उद्धव ठाकरे में। उद्धव ठाकरे के बेटे को देखिए, आदित्य ठाकरे, रोज नई सोच के साथ वो दिखते रहे जब से उनकी सरकार बनी। जी हाँ, और अक्टूबर नवंबर से हम देख रहे हैं कि चली थी भाजपा इनको हराने, और भाजपा कैसे गिरी, घुटनों के बल, चेहरे के बल फूट गया माथा। और कितनी भी मुश्किल वो क्यों ना खड़ी करे, आज भी देवेंद्र फडणवीस की कोई खबर आई थी कि वो रास्ते में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के, पर उद्धव ठाकरे का संगठन जो है वो बहुत मजबूत है, पूरे देश में फैला हुआ है। आप में से किसी की ताकत नहीं है, किसी भक्त की ताकत नहीं है कि एक सवाल भी उठा दे उद्धव ठाकरे के ऊपर, हिम्मत नहीं है आपकी। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप हिंदुत्व की बात करेंगे तो वो भी सच्चा हिंदुत्ववादी जो है वो भी उद्धव ठाकरे ही होगा। अगर आप बात करेंगे हिंदुइज्म की, वे ऑफ लाइफ की, जीवन की एक शैली की, तो भी वो उद्धव ठाकरे ही होगा। राम मंदिर बनाने की बात करेंगे तो वो उद्धव ठाकरे वो बनाने के बारे में बात ऑलरेडी कर चुका होगा और उस पे जोर लगा रखा होगा। इसके अलावा उद्धव ठाकरे जिस प्रकार से लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं, ये साफ है कि भारत देश को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो भारत देश में धर्म के नाम पर डिविजन ना करे, सब लोगों को साथ लेके चले। इनके अंदर, इनके पिता के समय से जो बदलाव आया है शिवसेना में, वो इनके कारण है। शिवसेना वो शिवसेना नहीं है जो हिंदुत्व के नाम पर ये कहती थी कि बिहार यूपी के मजदूर आके काम कर रहे हैं, शिवसेना जो ये कहती थी कि केवल हिंदू जो है
सनातनी हिंदुओं की बात करती थी, ये व्यक्ति ऐसा है जो इस बात से नाराज हो गया कि कोविड-19 को आपने धर्म का रंग देने की कोशिश करी और भक्तों के ऊपर प्रहार कर दिया उसने। जब भक्तों के ऊपर प्रहार किया तो भक्त रिटेलिएट नहीं कर पाए। अगर भक्त रिटेलिएट नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों? क्योंकि यही विकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, ये विकल्प है शिवसेना, विकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। शिवसेना जानते हैं किसके 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 वंशज बन गए ये? कौन है ये? कहां से आए हैं? क्या मुझे आपको बताने की आवश्यकता है? नहीं है बताने की आवश्यकता, सारे सवाल आपके खत्म हो जाएंगे यहीं पर। आप मुझे बताइए कि क्या आप कहेंगे कि नहीं उद्धव ठाकरे सच्ची के हिंदू नहीं है? बोल के दिखाइए ना भक्तों, बोल के दिखाओ कि ये सच्चा हिंदू नहीं है, बोल के दिखाओ कि ये ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सब लोगों को साथ लेके चल रहा है। क्यों नहीं सवाल उठा रहे कि भाई ये क्यों कह रहा है कि इसको धार्मिक रंग मत दो, क्योंकि ये मेरा नेता है, ये सच्ची का नेता है, ये भारत देश का नेता है। और आपको एक और चीज याद रखनी होगी कि आर्थिक राजधानी मुंबई में बैठा है, आर्थिक राजधानी मुंबई में बैठकर ये हर हर एरिया को समझ सकता है। इसीलिए कह रही हूं कि राजस्थान में बैठा हुआ व्यक्ति वो देखेगा केवल हिंदी बेल्ट को, हिंदी बेल्ट, लेकिन जो महाराष्ट्र में बैठा है वो महाराष्ट्र को भी देखेगा, वो साउथ को भी देखेगा, उसे नॉर्थ तो इतना इतना हमारे सिस्टम में है कि नॉर्थ को तो देखा जाएगा ही, परंतु एक बार सोच के देखिए। कभी कभी सोचती हूँ अगर गुजरात से एक चाय वाला आके देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखता हो, जो क्रिएटिव हो, जो सोच जिसने बदल दी अपनी अपनी पार्टी के लोगों की, मगर अपना व्यक्तित्व वैसा रखा जैसा पहले था। क्योंकि एक और एग्जांपल आपको देती हूं, आप देखिए प्रियंका चतुर्वेदी जो थी वो कांग्रेस पार्टी से गई थी शिवसेना में, गई थी ना। अब अरे जा, अगर वो वहां से गई तो कितनी दिक्कत होने वाली थी, क्योंकि वो जो सेक्युलरिज्म वाला फंडा था वो तो कहा जा रहा था कि शिवसेना में नहीं होगा, परंतु ये दिक्कत नहीं दिखी मुझे कहीं पे भी। मुझे आज तक ये दिक्कत नहीं दिख रही कि उन्हें कोई ऐसी परेशानी आई होगी कि उनकी सोच, उनकी विचारधारा का कहीं टकराव हो रहा होगा। उसके विपरीत देखिए तस्वीर, देखिए हमारे महाराज की, जी हाँ बात कर रही हूं माधवराव सिंधिया जी के सुपुत्र विजय राजे सिंधिया जी के पौत्र, कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया। शक्ल देखिए उनकी क्या हालत हो गई, दाढ़ी निकल आई, दिए लेकर बेचारे खड़े थे, दिए जला रहे थे, अंदर से क्या हो रहा होगा उनके, सोच के देखिए अंदर से क्या हो रहा होगा। क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में गए, विचारधारा की कितनी कितना टकराव होगा, कहां वो सेक्युलर और कहां ये पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व के नाम पे मॉब लिंचिंग करती है, हिंदुत्व के नाम पर आपसे क्या नहीं करा लेती, आपको धर्म को, बीमारी को भी धर्म का आधार बना देती है और बीमारी को भी धार्मिक एक रंग दे देती है। मगर उसके विपरीत अगर आप देखें, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी से गई, और मैं बहुत दिनों से वॉच कर रही हूं कि जब ये कांग्रेस पार्टी से गई है शिवसेना में तो इन्हें कितनी दिक्कत आने वाली है। बल्कि मैं, मेरी गलती है मानती हूं, मैं इंतजार कर रही थी जब देखती थी कि इनके चेहरे पर कोई ऐसा एक्सप्रेशन आएगा कि कितनी दिक्कत हो रही, जब ये कुछ कहेंगी तो शायद मैं पकड़ लेती है ना कि अरे देखो इन्होंने ऐसी बात करी। मगर वो क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शिवसेना का जो स्वरूप है वो नहीं है जो बाला साहेब ठाकरे के टाइम पे था। और यहीं पे आ जाऊं मैं आप राज ठाकरे पर। राज ठाकरे ने ये बात हम सबसे पहले समझा था, जानते हैं कैसे? क्योंकि जैसे ही उन्होंने देखा कि शिवसेना ने कांग्रेस के साथ मिलके पार्टी बनाई है तो उस वक्त राज ठाकरे ने एकदम अपना रंग बदला और अपने आप को हिंदुत्व का नेता घोषित कर दिया।
दिखाने लगे कि नहीं हम तो ये करेंगे, यहाँ पे कोई एनआरसी का हम सपोर्ट करेंगे, बाहर से कोई ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, ये सब कुछ आपने देखा कि किस प्रकार से हुआ। लेकिन वो लोगों की नब्ज को नहीं पहचान पा रहे, वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये देश बदल रहा है, यहाँ के नेता बदल रहे हैं और लोग देख रहे हैं नेताओं को, लोग जानते हैं कि हमें नेता ऐसा चाहिए। हिंदुस्तान है, हिंदू नेता होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, ये जीवन जीने की एक शैली है, ये एक फिलॉसफी है, और यही करते हुए दिख रहे हैं आज कौन? हमारे उद्धव ठाकरे। जी हाँ, आज मैं उन्हें अपना नेता भी मानती हूँ। मैं हर उस व्यक्ति को अपना नेता मानती हूँ जो इस देश के लिए खड़ा है, जो इस देश के लिए सही करेगा। हिंदुत्ववादी पिता और हिंदुत्ववादी बेटे में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का। मगर जो चीज फर्क नहीं है वो एक चीज है कि अपनी अपने धर्म पर नाज करना। अपने धर्म पर नाज करते हैं हमारे उद्धव ठाकरे, मगर पढ़े लिखे हैं और ये समझते हैं कि बीमारी ऐसी चीज होती है कि हर एक को समान रूप से देखने की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को अच्छी जो एक इलाज है वो दिलवाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो जानते हैं, वो समझते हैं, वो मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का एक एक व्यक्ति उनकी जिम्मेदारी है, आर्थिक राजधानी भारत में उनकी जो जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभा रहे हैं उद्धव ठाकरे। वो हिंदुइज्म को, वो अपने धर्म पर नाज करते हुए हर व्यक्ति को साथ लेकर जब चल रहे हैं, तो मैं इतिहास के पन्ने पलट के देखती हूँ, उनमें उनके चेहरे में मुझे इतिहास के पन्ने जो है पलटते हुए दिखते हैं, क्योंकि ऐसा था मेरा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में ऐसा होता था कि यहाँ हर धर्म के लोग आते थे, रहते थे। और आपको एक और चीज बता दूं कि अगर मोहम्मद गौरी हमारे यहाँ आक्रमण कर पाया तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो राजपूत हमारे राजा थे उस वक्त के, उन्होंने नहीं समझा था कि अगर जो लोग घोर, घोर वो जगह का नाम था जहां से मोहम्मद गौरी आता था, घोर के जो लोग आके घुल मिल गए हैं हमारे देश में, उनके राज्य में, उनके जो उनकी रियासत थी, वो उसको रास्ता देंगे दोबारा आक्रमण करने का। तो हमारे जो असली के राजा नेता रहे हैं हिंदुत्ववादी, आप कहते हैं हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ और अपने धर्म पे नाज करना ये अधिकार है सबका, मगर आज ऐसा हो गया है कि अगर कोई सेक्युलर होता है तो आप सवाल उठा देते हैं भाई उस पर कि भाई तुम तो सेक्युलर हो, तुमने कैसे कह दिया कि तुम हिंदू हो। जैसे राहुल गांधी जब अपना वो जनेऊ पहनता है या पूजा करने जाते हैं तो आप सवाल कर देते हैं, पर आप मुझे बताइए कि कैसे सवाल करेंगे आप उद्धव ठाकरे के ऊपर? कर सकते हैं एक भी सवाल? नहीं कर सकते, नहीं है आपके पास सवाल। और जैसा कि मैंने आपको कहा, बहुत चीजें फर्क हो चुकी है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, सब कुछ फर्क हो चुका है। शिवसेना का जो कैरेक्टर है वो वही है, परंतु उनको चीजें करने का तरीका अलग है। वो पहली बार सत्ता में आए, बाला साहेब ठाकरे कभी सत्ता के लोलुपता उन्होंने नहीं दिखाई, उनको लालसा भी नहीं थी, परंतु जब ये सत्ता में आए, ये वो व्यक्ति जिनको देखकर वही कहा जाता था कि ये सच्चा नेता नहीं हो सकता, ये मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकता, ये राजनीतिज्ञ नहीं है, परंतु पढ़ा लिखा व्यक्ति, वही व्यक्ति जो ना सिर्फ पढ़ा लिखा है पर एक बेहतरीन तरीके से उसने कोरोना वायरस के इलाज में लोगों को लगाया है, और सबसे ज्यादा केसेस अगर उनके यहाँ आ रहे हैं उसका कारण है टेस्टिंग, और वो कोई फर्क नहीं कर रहे लोगों में। वो कह रहे हैं कि खबरदार, अगर किसी ने भी इस इशू को धार्मिक रंग दिया या किसी भी मीडिया कर्मी ने इस इशू में कोई धार्मिक रंग दिया या कोई अफवाह फैलाई किसी ने भी, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और आपके नवीन पटनायक जी बेहतर काम करते हैं, पर आपको बताऊं ये इनको मैं इस श्रेणी में नहीं रखने वाली, नहीं। उद्धव ठाकरे और नवीन पटनायक में
जमीन आसमान का अंतर है। और मैं आपको बताऊं इसका कारण क्या है, इसका कारण एक बहुत सिंपल कारण है। नवीन पटनायक बहुत इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, और उनके साथ एक दिक्कत है कि वो अपने आप को पूरी तरह से हिंदुइज्म में ढालकर नहीं दिखा पाए हैं। वो दोनों तरफ दिखते हैं और बताते हैं अपने आप को कि वो असली हिंदू हैं, है भी, इसमें कोई शक तो है नहीं। लेकिन अगर आप बात करते हैं किसी इशू पर एक स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना मत रख देना, वो उनको करते हुए अब तक नहीं देखा गया, क्योंकि ऐसा शायद सिचुएशन उनके साथ नहीं आई, ऐसी सिचुएशन नहीं आई जैसी सिचुएशन आई उद्धव ठाकरे के साथ। उद्धव ठाकरे ने जब सरकार बनाई तो वो एक टोटली सेक्युलर पार्टी के साथ जाके बनाई, कांग्रेस पार्टी के साथ, उसमें एनसीपी भी आई। इसका मतलब है तीन पार्टियां हैं। क्यों रमेश पटेल, बोल सकते हो कुछ उद्धव ठाकरे को, बोल के दिखाओ, बोलो कि नहीं है हिंदू, बोल के दिखाओ ना। वेट एंड वॉच आफ्टर 10 डेज, मैं तो वेट एंड वॉच कर रही हूं 2024 का, 2024 में उम्मीद कर रही हूं। और उम्मीद ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन बनने वाली है कि नए नेता उभर के आएंगे जो देश को आगे ले जाने का काम करेंगे, उसमें से जनता चुनेगी, और उसमें से आर्थिक राजधानी मुंबई से आने वाले उद्धव ठाकरे जो है ना केवल एज वाइज भी ही सीम्स टू बी ओके, मतलब लगता है कि हाँ वो राइट एज पे होंगे, उनको आप अगर प्रधानमंत्री के रूप में भी देख लें तो हैरान मत होइएगा। अब देखिए कि संजय राउत उनके पिता के जमाने से हैं, मगर देखा आपने संगठन की मजबूती, इस संगठन की मजबूती ही तो कांग्रेस पार्टी नहीं बना पाई, इसी और यही मुश्किल हुई। भारत देश में यदि मे उद्धव लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन, आशीष अग्रवाल जी कह रहे मे ही लिव अप टू ऑल आर एक्सपेक्टेशन एंड मे ही राइज लाइक नेवर बिफोर एंड मे द कंट्री सी द राइज ऑफ अ न्यू लीडर। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो नेता है जो उभरेगा। मैं अभी भी आपको कह रही हूँ बहुत सारे नेता दिख रहे हैं, मगर इनका प्लस जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि लोग आज इन्हें देख रहे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देख रहे हैं तो मोदी जी के बाद कौन, और मोदी जी वैसे भी उनकी उम्र हो जाएगी 70 साल, अब खुद ही कहते रहे हैं रिटायर होने की बात, तो आप मुझे बताइए कि मोदी जी के बाद कौन, मोदी जी के बाद अमित शाह, अमित शाह सोचिए, और शायद अमित शाह को तो मोदी जी खुद भी नहीं चाहते, ये मुझे पूरा यकीन है। ये मैं बहुत समय से कह रही हूँ, पिछले साल से कह रही हूँ, दोनों की बॉडी लैंग्वेज दिख रही है मुझे कि इन दोनों के बीच में चीजें ठीक नहीं है, 100% चीजें ठीक नहीं है, वरना आप NSA अजीत डोवाल को हर मुश्किल स्थिति में बाहर आते हुए नहीं देखते, उनको प्रोजेक्ट होता हुआ नहीं देखते। इसलिए मैं मानती हूँ कि अजीत डोवाल जो है इस वक्त खास व्यक्ति बन चुके हैं मोदी जी के, और मोदी जी के बाद कौन, मोदी जी के बाद कौन, भारतीय जनता पार्टी में एक भी नेता नहीं है। राजनाथ सिंह, उम्र देख लीजिए उनकी, और कौन है, आप नड्डा जी को बनाएंगे, रविशंकर प्रसाद को बनाएंगे, किसको बनाएंगे, या स्मृति ईरानी जी को बनाएंगे। मैं कुछ नहीं कह रही, कुछ भी नहीं कह रही, महिला है सम्मान करती हूं, लेकिन कुछ नहीं कह रही, प्रधानमंत्री तो नहीं बनाएंगे ना, मतलब एक हमने झेल लिया जो कहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, अब झूठे वाले डिग्री वाले लोगों उसको हमसे दूर रखेगा। परंतु मैं जानना चाहती हूं कि आप में से कौन है जो कहेगा कि उद्धव ठाकरे भारत देश के असली हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है, बताइए ना। मगर पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, एज उनकी बिल्कुल सही है, परिवार वाले हैं, बीवी छोड़ के भागने वाले नहीं, परिवार, और हंसता खेलता खुशहाल परिवार, दो पुत्र, उनमें से एक पुत्र कितना बढ़िया बात करते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं, आदित्य ठाकरे को देखा, मेरे मन मुताबिक बच्चा है वो, मुझे ऐसे लगता है जैसे कि वो बहुत बहुत आगे जाएगा, और मुझे इतनी खुशी होती है इस बच्चे को देखकर, क्योंकि ये जब जिस तरह से ये बात करता है, जिस तरह से ये चीज़ों को हैंडल करते हैं, टूरिज्म के लिए जो जो कर रहे हैं, फैंटास्टिक,
मतलब आदित्य ठाकरे, मुझे ऐसा पहले ऐसे लगता था, आज मैं ये बात बोल रही हूँ, पिछले कुछ दिनों से सोच रही हूँ, मगर इसके पहले तक मुझे ऐसा लगता था कि आदित्य ठाकरे जो है कुछ अभी बहुत यंग है, मगर कुछ समय के बाद जब ये मुख्यमंत्री के लायक होगा उसकी उम्र के हिसाब से और सबको एक्सेप्टेबल होगा तब कितना बढ़िया काम होगा ना। मगर अब जो मैं देख रही हूँ अपने महाराष्ट्र में, अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, और कह रही हूँ आपको कि ये मेरे नेता हैं। जी हाँ, इनका मैं बहुत मान सम्मान, मेरे मन में इतना बढ़ गया है, इनका आदर सम्मान इतना बढ़ गया है मेरे मन में, कि मैं जिस व्यक्ति को सोचती थी कि ये उस तरह के हिंदुत्ववादी नहीं है जिस तरह से बाला साहेब ठाकरे, परंतु इनके अंदर कुछ सौम्यता है, एक ग्रेस है, बात करने की एक बहुत तमीज ही नहीं, एक एलिगेंस है जिस तरह से हमारे पहले के नेताओं में होती थी। और फिर मुझे लगता था अरे ये तो केवल धर्म की बात करते हैं, फिर मैंने देखा धर्म की बात तो ये कर ही नहीं रहे, फिर देखा कि इन्होंने कहा राम मंदिर की बात करी इन्होंने, तो इसका भाई राम मंदिर भारत देश में नहीं बनेगा तो और कहाँ बनेगा, इससे किसी को दिक्कत नहीं हो सकती। किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी धर्म के व्यक्ति को पूछ लीजिए, किसी भी धर्म के व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं हो सकती कि भारत देश में राम मंदिर बने। ये तो केवल एक मुद्दा बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ऐसा कौन सा अंधभक्त है जो ये कहेगा कि भाई हाँ बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते, भाई भारत देश है, अगर हिंदुस्तान में नहीं बना राम का मंदिर जो राम भगवान की जन्मस्थली है तो और कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, इंडोनेशिया में बनेगा या जाके बनेगा अमेरिका में, और हम कहेंगे नहीं नहीं भारत में मत बनाओ, वहां पे बनाओ, कोई पागल होगा ना जो ये बोलेगा। मगर ये जो ट्रोल आर्मी आती है और अटैक करती है और ये सब करती है, ये उनकी वजह से होते हैं। तमीज से बात करनी चाहिए, मगर इन्हें बात करने की आदत है, आपके लिए कह रहे हैं जी। अब देखिए कहते क्या है ये कहते हैं कि अगर हमारे देश में हम हिंदुइज्म का परचम उठा के रखें तो कौन से व्यक्ति कर सकते हैं, वो झूठे वाले हिंदुत्व वाले, वो जो लोगों को लड़ाने में लगे रहते हैं, वो मतलब जिनका मकसद है धर्म का इस्तेमाल करो। और अब मेरे को एक चीज बताओ आप कि महाराष्ट्र में मैंने कभी नहीं सुना इनके आने के बाद कि धर्म के नाम पे किसी व्यक्ति ने किसी को मार दिया या किसी के घर में बीफ मिल गया। अरे आपको पता है आप सबको कि महाराष्ट्र में दलित जो हैं वो बीफ खाते हैं, और इसलिए आप जो चीजें कहते हैं, मतलब कितनी सहनशीलता होगी एक व्यक्ति में कि वो इस इशू को इशू नहीं बना रहा, जबकि भारतीय जनता पार्टी वाले राज्यों में ये इशू बन जाता है। जी हाँ, आज मैं कोविड के आगे चल के बात कर रही हूँ क्योंकि कोविड को हैंडल करने वाला जो हमारा ये नेता है, मुझे ये पसंद है, मुझे एक इतने सौम्य तरीके से। और आपने देखा वो तस्वीर जब ये गए थे मिलने के लिए हमारे जो राज्यपाल हैं उनसे, राज्यपाल महोदय से मिलने गए, बगल में उनकी पत्नी, मतलब एक जो भारत की तस्वीर है कि हस्बैंड वाइफ दिख रहे हैं और इतना अच्छा सा कपल, उनका बेटा एक इतना इतना समझदार, एक और बेटा भी है उनका और कितना टैलेंटेड, ये बेटा भी बहुत अच्छी फोटोग्राफी करता है, मेरी एक स्टूडेंट का मित्र है तो फेसबुक पे बहुत सालों से देख रही हूँ आदित्य ठाकरे की खींची हुई तस्वीरें। और आपको बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि आप लोग भी इस बात को पहचाने। उम्मीद कर रही हूँ कि उद्धव ठाकरे COVID-19 की इस मुसीबत की घड़ी के बाद आगे बढ़ेंगे और दिल्ली की तरफ कुछ करेंगे। जब दिल्ली पहुंचेंगे तब देखिएगा कि देश को सच्ची में एक हिंदू नेता मिला। हिंदू नेता कौन होता है, जिसके अंदर सहनशीलता होती है, जिसके अंदर अपने धर्म के प्रति गर्व होता है और वो अपने धर्म का मान करता है और उस धर्म की सिखाई हुई बातों पे अमल करता है। जो क्या सिखाती है हिंदू धर्म जिसको आप कहते हैं हिंदुइज्म, सिखाती है कि आप टॉलरेंट हो, आप पेशेंट हो,
अगर हिंदुइज्म टॉलरेंट नहीं होता, ये जमीन ये धरती टॉलरेंट ना होती, तो इस धरती पे इतने धर्म ना पनपते, इतनी डाइवर्सिटी ना होती। और मैं डाइवर्सिटी की बात क्यों कर रही हूँ और ये डाइवर्सिटी ये क्यों पहचान लेते हैं? आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि प्रकृति में भी बायोडाइवर्सिटी मतलब जो जीव विविधता है उसकी वजह से दुनिया चलती है। इसलिए विविधता में ही एकता है, हर व्यक्ति को साथ लेकर चल सकने की क्षमता जिस नेता में है वो हुआ मेरा नेता उद्धव ठाकरे। मेरे हैं सब नेता, जितने अच्छे नेता है आप कहोगे आज इनके लिए कह रहे हो, भाई मेरे लिए तो हर वो नेता मेरा है जो अच्छा है। लोकतंत्र में रहती हूँ, आप लोग होंगे चमचे और भक्त, मैं नहीं हूँ। मुझे जो देश के लिए सही है, देश के लिए सच्चा है, वो है मेरा नेता उद्धव ठाकरे विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रवीण कांत जी इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये नेता हैं जो देश को बहुत आगे बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। और हम ढूंढ रहे थे ना, चारों तरफ ढूंढ रहे थे कौन सा नेता है, बताओ कौन क्या, यही तो कर रहे थे आप। देख लिया आपने, सामने था व्यक्ति। मैं महाराष्ट्र में नहीं रहती इसलिए समझ नहीं पा रही थी, परंतु दिख गया है। तो दोस्तों आज मैं आपको ज्यादा ये नेगेटिव वाला कोरोना वायरस का नहीं बताना चाहती। 16 लाख से ज्यादा केसेस हो गए, 16.5 लाख से, और मृत्यु भी 1 लाख लोगों से ज्यादा की हो गई है, परंतु 370,000 लोग ठीक हो चुके हैं। और यूएसए में करीबन 489,000 केसेस हो गए हैं, 5 लाख की ओर जा रहे हैं। स्पेन में 1.5 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं और आज यूएसए में 1,304 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद स्पेन, इटली, जर्मनी, किसी की मृत्यु नहीं हुई जर्मनी या फ्रांस में। चाइना में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई, यूके में 980 लोगों की मृत्यु हुई है। और देख लीजिए कितने लोग कह रहे हैं मेरी बात से, कितने लोग सहमत है। मैं यहाँ पे बैठकर देहरादून में, मुझे क्यों नहीं ये चीज ध्यान आई पहले, आप लोगों ने भी किसी ने नहीं कहा। एक नंबर है बट क्या उद्धव ठाकरे सही आदमी है, बिल्कुल सही। चाइना, यूके, ईरान, टर्की, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड्स, कनाडा, ब्राजील, पोर्चुगल, ऑस्ट्रिया, रशिया, साउथ कोरिया, इजराइल, स्वीडन और इंडिया। और स्वीडन के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं यूएसए के प्रधान वो क्या है राष्ट्रपति, कुछ भी बोल देते हैं। खैर, भारत के केसेस के बारे में आपको बता रही हूँ, काफ़ी डेटा बता चुकी हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगी। 1364 टोटल केसेस, 97 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 125 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। लद्दाख में 15 केसेस अब तक और 10 लोग ठीक हो चुके हैं, कोई गंदी बुरी खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर में 184 केसेस, 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 6 लोग ठीक हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में 28 केसेस, 1 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, 1 व्यक्ति ठीक हो चुका है। पंजाब में 132 केसेस, 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 5 लोग ठीक हो चुके हैं। हरियाणा में बहुत अच्छे आंकड़े अभी भी हैं, मनोहर लाल खट्टर की सरकार जो है उनके तहत काम कर रहे जो हेल्थ वर्कर्स है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 169 केसेस, 3 लोगों की मृत्यु हो गई, 29 लोग ठीक हो चुके हैं। राजस्थान 463 केसेस, वहां टेस्टिंग ज्यादा हुई है, 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 21 लोग ठीक हो चुके हैं। गुजरात 241 केसेस, 17 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 26 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र 1364 टोटल केसेस, 97 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 125 ठीक हो चुके हैं। इसके बाद आता है गोवा, 7 लोगों को संक्रमण पाया गया है, 1 व्यक्ति ठीक हो गया है, बुरी खबर कोई नहीं। कर्नाटका 197 केसेस पाए गए अब तक, 6 लोगों की मृत्यु हो गई, 30 लोग ठीक हो चुके हैं। और केरला, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, 357 टोटल केसेस, 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 96 लोग ठीक हो चुके हैं। तमिलनाडु 834 टोटल केसेस, 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 21 लोग ठीक हो चुके हैं। 8 लोगों की हो चुकी है वैसे तमिलनाडु में।
आंध्र प्रदेश 363 टोटल केसेस, 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 7 लोग जो है वो ठीक हो चुके हैं। तेलंगाना में 473 टोटल केसेस, 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, इधर किसी की मृत्यु नहीं हुई है, 35 लोग ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश बताइए 259 केसेस, 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी, 16 और अभी तक कोई ठीक नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में 10 लोगों को संक्रमित पाया गया, कोई बुरी खबर नहीं, कोई अच्छी खबर नहीं। ओडिशा में 44 लोग संक्रमित पाए गए, 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 2 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। उसके बाद अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में स्थिति वही है, 11 लोग संक्रमित पाए गए हैं, कोई ठीक नहीं हुआ, कोई गलत खबर नहीं आई अभी तक। उसके अलावा जैसा कि आपको पता है वेस्ट बंगाल में 116 टोटल केसेस, 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 16 लोग ठीक हो चुके हैं। और आप जानते हैं कि त्रिपुरा में 1, मिजोरम में 1, मणिपुर में 2 लोग संक्रमित पाए गए मणिपुर में, मगर 1 व्यक्ति ठीक हो चुका है। नागालैंड में 1 भी केस नहीं आया, अरुणाचल प्रदेश में 1 केस आया है और इलाज चल रहा है। असम में 29 केसेस आए हैं, सबका इलाज चल रहा है। मेघालय में 1 भी केस नहीं आया, सिक्किम में 1 भी केस नहीं आया, बिहार में 60 टोटल केसेस अब तक, मुझे यहाँ के डेटा पे ज़्यादा भरोसा नहीं है, पर 60 केसेस आए हैं और 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ठीक अभी कोई नहीं हुआ है। झारखंड में 13 टोटल केसेस आए हैं, 1 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 431 केसेस हैं, 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 32 ठीक हो चुके हैं। परंतु यहाँ पर जो है, यहाँ पे टेस्टिंग थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, ये एक खास बात है। इसके अलावा दिल्ली में 900 के पास पहुँच गया है, 898 लोग जो है वो संक्रमित पाए गए। तो मत सुनना, प्रॉब्लम क्या है तेरे को है, 13 लोगों की मृत्यु हो चुके, 25 लोग ठीक हो चुके। और उत्तराखंड में मेरे मुख्यमंत्री ने बताया है, उन्होंने कहा है कि अभी हम फर्स्ट स्टेज पे हैं, 35 लोग अब तक संक्रमित पाए गए हैं और 5 लोग ठीक हो चुके हैं। तो है ना बढ़िया खबर, तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। अब सोचिएगा, मैंने देखा कि कुछ लोगों ने लिखा है नेक्स्ट पीएम उद्धव ठाकरे सर जी, और देख लीजिए कौन बोल रहे हैं, जिनको आप कहते हैं कि आपको इन्हें खत्म करना है। परंतु आप देख लीजिए झारखंड का जो डेटा है हेल्थ मिनिस्ट्री का, मैं वो बता रही हूँ राकेश जी, 14 हो सकता है कि हो गए होंगे, ये दिखा रहे हैं 13 और 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई ना, तो सारे आप मिला लीजिए 14 हो गए। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को याद रखना है, बार बार कहते हैं कि इसका विकल्प कौन, विकल्प सामने है, वो प्रूफ करता है, विकल्प प्रूफ करता है कि वो इस लायक है, तभी तो हम कहेंगे कि ये विकल्प है। और वो प्रूफ कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो लोगों में फर्क नहीं कर रहा है। ये है असली हिंदुइज्म, ये है, ये इस हिंदुस्तान की मैं वासी हूँ, और इसीलिए उद्धव ठाकरे को सलाम है, और उद्धव ठाकरे मेरे नेता हैं। आपसे दोबारा मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीयरफुल रहिए, नेगेटिव खबरों को ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। मैं, आप देखिए कि मैं अब क्लास लेती हूँ, कितना अच्छा लगता है, मेरी स्क्रीन पर इतने सारे बच्चे होते हैं और उनको पढ़ाती हूँ मैं रोज सुबह और शाम, मेरा समय ऐसे बीतता है। उसके बाद बीच में कुछ काम वाम भी करना पड़ता है घर का, आपको पता ही हो, तो सुबह करना पड़ता है, फिर दिन में भी करना पड़ता है और रात को भी करना पड़ता है, इसलिए हाथ भी कैसे हो रखे हैं। खैर, उसके बाद मेरे पौधे भी होते हैं, आप भी ऐसा करिएगा। कल मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड और जय धरती माँ, जय पृथ्वी माँ।